नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली में आयोजित ओडिशा पर्व 2024 में, जहां संस्कृति, परंपरा और स्वाद का संगम देखने को मिला और इस मौके को और खास बना दिया देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अनोखे आयोजन में हिस्सा लेकर देश के सांस्कृतिक ताने बाने को मजबूत किया। उन्होंने न केवल ओडिशा की कला और संस्कृति की सराहना की, बल्कि वहां के पारंपरिक व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया। ओडिशा पर्व में पहुंचते ही प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक ओडिशी पोशाक और तिलक के साथ उन्हें यहां की समृद्ध विरासत को करीब से देखने और समझने का मौका मिला। प्रधानमंत्री ने इस आयोजन में प्रदर्शित हस्तशिल्प, कपड़े और ओडिशा की मशहूर लोक कलाओं का अवलोकन किया। उन्होंने कलाकारों से बातचीत की और उनके काम की सराहना की। लेकिन इस पूरे आयोजन में एक खास पल तब आया जब प्रधानमंत्री ने वहां के स्टॉल पर बैठकर ओडिशा की खास चाय का आनंद लिया। उनके चाय पीने का ये सादगी भरा अंदाज देखकर लोग खुश हो गए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की और चाय के साथ ओडिशा के पारंपरिक स्नैक्स का स्वाद भी लिया। प्रधानमंत्री ने न केवल चाय का आनंद लिया, बल्कि वहां मौजूद लोगों के साथ खुलकर बातचीत की। बच्चों और युवाओं के साथ उन्होंने सेल्फी खिंचवाई और लोगों को ओडिशा की संस्कृति अपनाने और इसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, ओडिशा की कला, संस्कृति और व्यंजन हमारे देश की धरोहर हैं, हमें इसे आने वाली पीढ़ियों तक ले जाना है। उनके इन शब्दों ने वहां मौजूद हर किसी का दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री का यह सादगी भरा अंदाज और ओडिशा की संस्कृति के प्रति उनका प्रेम हर भारतीय के दिल को छू गया। ओडिशा पर्व जैसे आयोजन न केवल राज्यों को जोड़ते हैं, बल्कि देश की विविधता में एकता की भावना को भी मजबूत करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको प्रधानमंत्री मोदी की यह खास यात्रा? क्या आप भी ओडिशा की कला और स्वादिष्ट व्यंजनों का अनुभव करना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।